आज हम शेमुषी प्रथम भाग नवम कक्षाया संस्कृत पाठ पुस्तक के अंतर्गत पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। ये कल्पवृक्ष है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल्पवृक्ष यानी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले, इच्छाओं की पूर्ति करने वाले। इसके पहले का जो पाठ का सार है वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज हम इसके प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहला है एक पदें उत्तरम लिखा, अर्थात एक शब्द में आपको उत्तर लिखना। पहला दिया है जीवोद्वाहनः कस्य पुत्रः आसीत्। जो जीवोद्वाहन था वो किसका पुत्र था? तो किसका पुत्र था? जीमूत केतु, अर्थात जीमूत केतु का पुत्र था। दूसरा है संसारे अस्मिन् कः अनश्वरः भवति। संसारे अस्मिन् कः अनश्वरः भवति यानी इस संसार में ऐसा क्या है कौन नष्ट ना होने वाला होता है, क्या नष्ट नहीं होता? तो आपको उत्तर आएगा परोपकारः। क्या नष्ट नहीं होता? परोपकार। कभी भी संसार में यदि परोपकार किया जाता है तो वो कभी नष्ट नहीं होता। बाकी चीजें नष्ट हो जाती हैं परंतु परोपकार नष्ट नहीं होता। फिर है जीवोद्वाहनः परोपकारी फल सिद्धे कम आधारयति। जीवोद्वाहन परोपकार रूपी एकमात्र फल को प्राप्त करने के लिए किसकी आराधना करता है? जैसे कि आपने देखा कल वृक्ष के सामने जो जीवोद्वाहन है वह खड़े होकर प्रार्थना करता है, तो वो किसकी आराधना करता है? उत्तर क्या आएगा? कल्प पादपा, अर्थात वह किसकी आराधना करता है? कल्प वृक्ष की आराधना करता है। क्या आएगा यहाँ पर? कल्प पाद, कल्प पाद पम यानी कल्प वृक्ष की आराधना करता है। जीवोद्वाहनस्य सर्वभूतानुकंपया सर्वत्र किम प्रतितम। जो जीवोद्वाहन की सभी जीवों के प्रति कृपा करने से सभी जगह क्या प्रसिद्ध हो गई? तो क्या प्रसिद्ध हो गई? जीवोद्वाहन की सभी जीवों के प्रति कृपा करने से सभी जगह क्या प्रसिद्ध हो गई? तो क्या प्रसिद्ध होती है? जब कोई व्यक्ति किसी की भलाई करता है, किसी का सहयोग करता है, सबके लिए अच्छी कामनाओं की इच्छा करता है तो उसकी क्या हो जाती सब जगह? यश यानी कीर्ति। सब जगह क्या प्रसिद्ध हो गई? उसकी यश यानी कीर्ति प्रसिद्ध हो गई। चलिए इसके बाद है कल्प तरु भूमि कानी अवश्य। कल्प तरु जो कल्प वृक्ष था भूमि यानी भूमि पर पृथ्वी पर कानी यानी चिंकी अवश्य यानी वर्षा की। तो कल्प तरु कानी अवश्य यानी कल्प तरु ने पृथ्वी पर किसकी वर्षा की? तो क्या आ जाएगा? वसूनी। वसूनी माने धन, धन की वर्षा की। तो कल्प तरु ने पृथ्वी पर किसकी वर्षा की? धन की वर्षा की। इस प्रकार से यहाँ पर ये एक पदेन आपके क्या आएंगे? उत्तर। और ये आप बहुत अच्छे से याद करिएगा, कॉपी में लिखिएगा, दो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिया है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। अधोलिखित यानी जो नीचे लिखे प्रश्न है उनके उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देना है। तो सबसे पहले जो प्रश्न है वह है कंचनपुरम नाम नगरम पुत्र विभाति स्म। यानी जो कंचनपुर नाम का जो नगर पुत्र यानी कहाँ विभाति यानी सुशोभित होता है, कंचनपुर यानी कंचनपुर नाम का नगर कहाँ सुशोभित होता था? तो इसका उत्तर क्या आएगा? कंचनपुरम नाम नगरम हिमालय पर्वत पर्वत हिमालय पर्वत शिखरे विभाति स्म है ना। कहां पर? जो कंचनपुरम नाम का नगर था वह हिमालय पर्वत की चोटी शिखर माने होता है चोटी सुशोभित होता था। कहां सुशोभित होता था? हिमालय पर्वत की चोटी पर सुशोभित होता था। अब आता है जीवोद्वाहनः कीदृशः आसीत्। जो जीवोद्वाहन था कीदृशः यानी कैसा, दृश्य माने कैसा, जीवोद्वाहन कैसा था?
है जीमोद्पान महान दानवीर सर्वभूतान कंपी च आसी। जो जीमोद्पान था महान दानवीर, कैसा था? महान दानवीर था और सर्वभूतानु कंपी यानी सभी प्राणियों पर कंपी यानी कपा करने वाला था। तो जो जीमोद्पान था वो कैसा था? महान दानवीर और सभी प्राणियों पर कृपा करने वाला था। अब आता है कल्पतरो वैशिष्टि यमाकर्ण जीमोद्वहन किम अचिंत्यत्। कल्प वृक्ष वैशिष्ट वैशिष्ट्य माने विशेषता। तो कल्प वृक्ष की विशेषता को सुनकर जीमोद्वहन क्या अचिंत्यत्, उसने क्या सोचा? किसने? जीमोद्वहन ने। किसकी विशेषता को देखे? कल्प वृक्ष की। अब उत्तर समझिए, कल्पतरो वैशिष्ट्यम्या कर्ण जीमोद्वहन अचिंत्यत्। जो जीमोद्वहन था तो उसने उसकी विशेषता के बारे में सोचा, वैशिष्ट यानी उसकी विशेषता के बारे में। अहो ईदृशम अमरकार्पम प्राप्यापि पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं तादृशं फल किमपि न प्राप्तम्, किन्तु केवलं कश्चिदेव कृपणे कश्चिदपि अर्थः अर्थितः तदहम् अस्मात् कल्पतरो अभिष्ट साधयामि इति। क्या सोचा उसने उसकी विशेषता को सुनकर कि जीमोद्वहन ने सोचा, अरे बड़ा खेद है, अहो मतलब खेद है, इस प्रकार के अमर पादपम यानी अमर वृक्ष को पाकर प्राप्यपि हमारे जो पूर्वज हैं पूर्वजनों ने वैसा कुछ भी फल किमपि फलम फलम किमपि न प्राप्त, ऐसा कोई भी फल प्राप्त नहीं किया, किंतु केवलम कश्चिदेव यानी किंतु केवल ही कुछ ही अभावों ने थोड़ा सा तुच्छ ही कश्चिदपि अर्थितः धन मांगा, तुच्छ धन मांगा। तो मैं इस कल्प वृक्ष से क्या करूंगा, अस्मात् कल्प अभिष्टं साधयामि, मतलब मैं इस कल्प वृक्ष से मन चाहे को पूरा करूंगा, ऐसा उसने सोचा। अब है हितैषिणः मंत्रिणः जीमोद्वहनम् किम् उक्तवन्तः। जो हितैषी मंत्री जीमोद्वहन से क्या बोले, तो हितैषिणः मंत्रिणः जीमोद्वहनम् उक्तवन्तः, बोले युवराज योयम् सर्व कामदः कल्पतरु तवो तवो ध्याने तिष्ठति सा तव सदा पूज्य अस्मिन् अनुकूले स्थिते सती शत्रोऽपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। जो उनके हितैषी जीमोद्वहन के हितैषी मंत्री थे उन्होंने बोला कि युवराज जो यह सभी योयम सब कामना सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्प तरु जो कल्प वृक्ष है वो कहाँ है? तब उद्यान तिष्ठति यानी तुम्हारे उद्यान में क्या है, खड़ा है, और अस्मिन् अनुकूले और तुम्हारे द्वारा सदैव कैसा है, तब सदा पूज्य यानी वह पूज्य है, और अस्मिन् अनुकूले स्थित है इसके अनुकूल रहने पर इंद्र भी हमें क्या नहीं पूछा, शत्रु अपनी आसमान बाल तुम न शत्रु याद यानी वो हमें बाधा नहीं पहुंचा सकता, ऐसा कहा। जीमोद्वहन कल्प तरु उपगम में किम हुआ, जीमोद्वहन कल्प वृक्ष के पास पहुंचकर क्या बोला? तो जीमोद्वहन कल्प तरु उपगम में उबाच देवत्वया तस्मत्ति पूर्वशाम अभिष्टा कामा पूर्ता तन्यमेकं कामं पूर्य पूर्य यथा पृथ्वी अद्र अदरिद्रां पश्यामि तथा करोति देव इति, ऐसा कहा। तो उन्होंने क्या कहा जीमोद्वहन ने, जीमोद्वहन ने कल्प वृक्ष के पास जाकर क्या मांगा, तो क्या मांग तो वाच ने क्या कहा कल्प कि हे देव त्वा तस मत पूर्वेशां, जो आपके द्वारा हमारे पूर्वजों की मन चाही इच्छा को क्या किया गया, पूरा अभिष्ट उनकी कामा पूर्ति उनकी इच्छाओं को पूरा किया गया, तो तन्मयकं काम पूर्य यथा पृथ्वी तो मेरी भी एक इच्छा को क्या कर दीजिए, पूरा कर दीजिए, जिससे इस संसार को यथा पृथ्वी आदरता मैंने इस निर्धनता को रहित में क्या कर सकूं, पश्यामी यानी देख सकूं, तथा करोति देवती हे देव वैसा ही क्या करिए, वैसा ही कुछ कीजिए,
इस प्रकार से उन्होंने प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं संसार को निर्धनता वाले देख सकूं, हे देव वैसा ही आप कुछ कीजिए। आगे पढ़ते हैं, अधोलिखित वाक्यसु स्थूल पदानि तस्मै प्रयुक्तानि। नीचे लिखे वाक्यों में से जो मोटे शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त है, जैसे तस् से सानो रूपाणि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम, तो किसके लिए है, हिम्मते। क्या दूसरा है, राजा राजा संप्राप्त योगनम तम योग राज्य अभिषिक्तवान, ठीक है, तो किसके लिए आया ये, जीमूत बहाना के लिए। फिर अयम तम सदा पूज्य, किसके लिए है ये कि जिनकी हमेशा मतलब पूज्य हमेशा ही पूजना पूजा की गई, कल्प वृक्ष, ठीक है ना, कल्प वृक्ष के लिए उन्हीं की पूजा की। तारम तू जाना सी धनम क्या आएगा, बीजी वलम चलनम, तो क्या आएगा, जीमूद के, ठीक। तो इस प्रकार से जो मोटे स्थूल वाले हैं उनको इसमें प्रयुक्त किया है। अब आएगा यहाँ पर अधोलिखित, अधोलिखिता नाम पदा नाम पर्याय पदम पठा चित्वा लिखा, नीचे लिखे मतलब जो पद है जो शब्द दिए गए हैं उनको पाठ से उनको चुनकर लिखना है, ठीक है। नीचे लिखे शब्दों के जो पर्याय शब्द हैं, पर्याय कदम पठाचित वाले पर जो आपको इसमें दिए हैं, तो जैसे यहाँ पर दिया कर, तो क्या दिया है, पार्वता, तो यहाँ पे आएगा नवेंद्र, फिर भूपति यहाँ जाएगा राजा, इंद्र तो यहाँ शत्र, धनम यानी अर्थ वसु बोलते हैं, इक्षितम अभिष्टतम या अर्थितम, समीपम अंतिकम, ठीक है। फिर है धरित्री, तो यहाँ पर आएगा पृथ्वी, जन कल्याणम हितम वाणी वाग वृक्ष तरु या पालकम, ये परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। फिर है काय स्तंभ विशेषणानि, खाय स्तंभ या विशेषण दत्तानि तानि समुचितम युज्यत, यानी ये जो काय स्तंभ में विशेषण और खाय स्तंभ में विशेष दिए हैं उनको ठीक से क्या करना है आपको यहाँ पर मिलाना है। तो जैसे सबसे पहले दिया है कुल क्रमागता, तो कुल क्रमागतम का क्या आएगा, कल्प कर्म। फिर यहाँ पर दिया है दानवीर, दानवीर कौन था, जीमूत बहाना, हितैष भी कौन था, हितैषी मंत्र भी जो उनके हितैषी थे। फिर है बीजीवत चलनम, यहाँ पर किसके लिए कहा गया है, तो यहाँ पर धनम, ठीक है। अनश्वर यह भी बताया हमने आपको, तो परोपकार है, कभी इसका नाश नहीं होता। इसके बाद दिया है स्थूल पदानधिकृत प्रश्न निर्माण पूर्व, मोटे शब्दों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे दिया तरो प्रत्यय सह पुत्रम प्राप्त, तो यानी जो प्रश्न निर्माण ये दिया है तो कैसा आएगा, वृक्ष की कृपा से उसने पुत्र को प्राप्ति किया, तो कस्य कृपा से, यहाँ पर प्रश्न निर्माण किया गया कस्य कृपा से, ठीक, किसकी कृपा से उसने पुत्र को क्या किया, प्राप्त किया। फिर है सह कल्प तर्वे न्यावेदत, उसने कल्प वृक्ष से निवेदन किया, प्रश्न है सह कस्मै निवेदत, यानी किससे निवेदन किया, ठीक। फिर है धन वृष्टिया कोपि दरिद्रतः नातिष्ठत, तो धन वर्षा से कोई भी निर्धन नहीं रहा, प्रश्न निर्माण क्या, कथम, किससे, कथम कोपि दरिद्रतः नातिष्ठत, यानी कैसे भी कोई भी निर्धन नहीं रहा। कल्प तरु प्रतिभ्याम धनानि वर्षत, यानी कल्प वृक्ष से पृथ्वी पर धन की वर्षा की। अब इसका प्रश्न बनेगा तो क्या आएगा, कल्प तरु पुत्र, ठीक है, यानी कल्प वृक्ष ने कहां धन की वर्षा की। फिर है जीवानुकंपया जीमूद वाहनस्य यशः प्रसारयत, यानी जीवों के प्रति कृपा से जीमूद वाहन की कीर्ति है। प्रश्न निर्माण क्या आएगा, कथम, यानी क्या आएगा, कैसे, ये प्रश्न बन गया, कैसे जीमूद वाहनस्य यशः प्रसारयत, यानी कैसे जीमूद वाहन की कीर्ति है। चलिए अब यहाँ दिया है स्वस्ति तुभ्यम, स्वस्ति शब्द से हो गए चतुर्थी भर्ती वर्ती निर्मल अर्थ चतुर्थी भर्ती प्रयुक्त ए में कोष्ठक गति से उपदेश चतुर्थी भर्ती प्रयुक्त रिक्त स्थानी पूर्ण, यानी जैसे यहाँ स्वस्ति यानी तुम्हारा कल्याण और स्वस्ति शब्द के योग में चतुर्थी भर्ती होती है, इस नियम से यहाँ चतुर्थी भर्ती प्रयुक्त है। इसी प्रकार कोष्ठक में जो दिए गए शब्द चतुर्थी भर्ती का हमको क्या करना, प्रयोग करके रिक्त स्थान को पूरा करना है। जैसे ये दिया है स्वस्ति, तो यहाँ दिया है राजा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ कवि आएगा राज्ञे, क्या आएगा यहाँ पर
रागे। स्वस्ति प्रजा तो प्रजायै या प्रजाभ्या। इस प्रकार स्वस्ति यहाँ पर आएगा जैसे छात्र, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है ना, तो क्या आएगा छात्रा या छात्रेभ्या। फिर दिया है यहाँ स्वस्ति, तो यहाँ पर क्या दिया सर्वजना, तो सर्वजनेभ्या क्या आएगा सर्वजनेभ्य। एक और इसमें प्रश्न है कोष्ठक गतेषु पदेषु षष्ठी विभक्ति प्रयोग रिक्त। अब यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके आपको रिक्त स्थानों को पूरा करना है। जैसे इसमें सबसे पहले दिया है तस्य खायतान उद्याने कल्पतम राशि, तो ये दिया है देखिए ग्रह, तो ग्रह का क्या आएगा ग्रहस्य, ये दिया है यहाँ पर उत्तर दिए हुए हैं ग्रहस्य, ठीक है। फिर स खायतान अंकितम अगच्छत, यहाँ पर क्या दिया है पितृ, यहाँ है पितु। फिर है खालिस्तान सर्वत्र यश प्रथितम, तो यहाँ पर जीमूत वाहना, यहाँ पर जीमूत वाहना से हो जाएगा। फिर आयम खालिस्तान का ऋतु क्या जाएगी, ऋतु किनका क्या जाएगा कस्य। इस प्रकार से ये कल्प वृक्ष वाले पाठ को के जो प्रश्नोत्तर है इनको पढ़ाया समझाया, आप उसको कॉपी में लिखेंगे और परीक्षा के लिए तैयार करेंगे।